पीकेसी ईआरसीपी के तहत रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नौनेरा गरबा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना में सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बूंदी और टोंक जिले के 21 गांवों की भूमि अधिग्रहण का खुलासा किया गया। ग्रामीणों के साथ हुई जनसुनवाई के मुख्य बिंदुओं को भी रिपोर्ट में प्रमुखता से दिखाया गया है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों पर भी काम किया जा सके। एक खास रिपोर्ट देखिए। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में बीसलपुर और ईसरदा बांध को चंबल का पानी उपलब्ध कराया जाना है। इसके चलते दो बैराज और पंपिंग स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण की सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट पूर्व में जारी की जा चुकी है। अब बूंदी और टोंक जिले की 3 तहसील में 21 गांव में 729.9014 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति होनी है। भूमि अवाप्ति के बाद मौके पर मेज पंप हाउस निर्माण, मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा पंप हाउस का निर्माण, गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बूंदी जिले की नैनवा तहसील के 8 गांव अरनेठा, बांसी, हीरापुर, जरखोदा, अलनिया, करवर, संगतपुरा, पटावटी में कुल भूमि अधिग्रहण 221.8514 हेक्टेयर प्रस्तावित है। बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के 5 गांव चमावली, खरायता, लाखेरी, नयागांव, डपटा में कुल भूमि अधिग्रहण 366.9124 हेक्टेयर प्रस्तावित है। टोंक जिले की उनियारा तहसील के 8 गांव उस्मानपुरा, रोहित, झुंडवा, गांगली, खातोली, दोबड़िया, पागड़ा, पागड़ी में कुल भूमि अधिग्रहण 141.1376 हेक्टेयर प्रस्तावित है। प्रभावित भू स्वामी को उचित और बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि जितनी भूमि क्रय कर सके। प्रभावित परिवार पुनः क्रय की गई भूमि से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। परियोजना क्षेत्र के गांव में बांधों को आपस में जोड़ा जाए। सिंचाई एवं पेयजल के लिए सभी प्रभावित गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए। डीएलसी का 10 गुना मुआवजा प्रभावित भू स्वामी को दिया जाए। सिवाय चक भूमि में जिसकी किसान पेनल्टी चुका रहे हैं, उसमें ट्यूबवेल एवं कुआ इत्यादि हैं, तो उन संरचनाओं का भी मुआवजा कब्जेदार काश्तकार को दिया जाए। खुली नहर बनाई जाती है तो गांव वालों के लिए रास्ता भी बनाया जाए ताकि किसानों को अपने खेतों पर जाने में परेशानी नहीं हो। भू स्वामी को अवाप्त जमीन के बदले जमीन दी जाए। प्रभावित परिवार के लोगों को योग्यता अनुसार ईआरसीपी में काम दिया जाए। मुआवजा राशि सिंचित जमीन की दर से क्लेम बनाया जाए, क्योंकि मौके पर जमीन सिंचित है और राजस्व रिकॉर्ड में बरानी दर्ज है। जिस भू स्वामी का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां पर जमीन का भौतिक सत्यापन करवा कर उसकी मुआवजा राशि मौके पर काबिज को ही दी जाए। गांव के संसाधन जैसे ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि को कैनाल कार्य में लगाया जाए। गांव में मेज नदी पर सभी भू स्वामियों ने निजी तौर पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना चला रखी है। इस संरचना को अवाप्ति से बचाया जाए, अन्यथा उसका पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। प्रभावित गांव में लगभग 36% सदस्य या तो निरक्षर या साक्षर हैं। 65.5% परिवारों का मुख्य आय का स्रोत कृषि है और 31.7% परिवार कृषि या दैनिक मजदूरी करते हैं। प्रभावित गांव में लगभग 11.8% आबादी 60 वर्ष के ऊपर की है। सामाजिक वर्गानुसार अधिकांश परिवार अनुसूचित जनजाति 33.6% और अन्य पिछड़ा वर्ग से 55.3% आते हैं। अनुसूचित जाति का भी प्रभावित परिवार में प्रतिनिधित्व 7% है। परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति सामान्य से कमजोर है, क्योंकि ज्यादातर भू स्वामी सीमांत, लघु एवं मध्यम किसान हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 1,00,000 रुपए से कम है। सामाजिक समाघात राहत योजना में नियम के तहत उचित मुआवजा राशि दिलवाना है। वर्तमान में क्षेत्र में बाजार भाव यानी 8 से 10 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाए। जमीन पर फसल की स्थिति में किसानों को 2-3 माह का समय दिया जाए ताकि वे अपनी फसल ले सकें, अन्यथा फसल का मुआवजा दिया जाए। परियोजना में किसी भी प्रभावित परिवार की पूर्ण जमीन
एवं आवासीय संरचना अवाप्त नहीं होगी। प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना, स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना, प्रत्येक प्रभावित परिवार से एक युवक को परियोजना में रोजगार दिलाना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना और राशन को सुनिश्चित करना, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग में किसी भी भूस्वामी की संपूर्ण भूमि अवाप्त नहीं की जा रही है, अतः पलायन की जरूरत नहीं होगी। कम कीमत पर चारा उपलब्ध कराना, डेयरी योजना से जोड़ना, प्रभावित परिवारों में से इच्छुक व्यक्तियों को पशुपालन हेतु प्रोत्साहन और सहयोग देना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना एवं क्षेत्र में प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। माना जा सकता है कि जब जमीन का अधिग्रहण होगा उसके बाद किसानों की शिकायतों में कुछ कमी आएगी और उन्हें उचित मुआवजा और अन्य लाभ दिलवाए जा सकेंगे। भजनलाल, सरकार के डीम प्रोजेक्ट पीकेसी आरसीपी के पहले चरण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ठेका कंपनी ने दूसरी सामाजिक समागात रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बूंदी और टोंक जिले के 21 गांवों की करीब 750 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में किसानों की समस्याएं और सुझावों को भी शामिल किया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि पहले चरण का काम अब किस रफ्तार से आगे बढ़ पाता है। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।